ऑलराइट बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? प्लीज डू नॉट टेक टेंशन एनीथिंग. सो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज 5 मिनट वीडियो, क्रिस्प प्रो टिप. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सीरीज ऑफ प्रो टिप्स बिफोर यू टेक योर फाइनल एग्जाम. सो द फर्स्ट प्रो टिप इज व्हाट ऑर्डर टू अटेम्प्ट एट जेई मेंस 2020. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस शॉर्ट क्लिप, आई वॉन्ट यू टू कमेंट इन दी सेक्शन वीडियो बिकॉज आई एम कमिंग अप लाइव टूमोरो. उससे पहले मुझे क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है? What are the things that you think you are doing wrong? You are confused. What, where you want my guidance? Please write that in the comment section and I'll take all possible doubts, whatever they are, in a live session so that you can interact with me and ask me your doubts, even if required to extend it at any point in time. ठीक है, चलिए. So मुझे जो बहुत repeatedly doubt आता है कि क्या मेरा ये order सही है, क्या मेरा ये ऑर्डर सही है सर, मैं इस तरीके से करता हूं, मेरे मॉक टेस्ट में इस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं. सो व्हाट शुड बी द आइडियल ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग एनी एग्जाम, जेई मेंस हो, कुछ भी हो. पहली बात, कोई आइडियल स्ट्रेटेजी नहीं होती है, कोई आइडियल ऑर्डर नहीं होता है. सबका एक अपना पर्सनल प्रेफरेंस होता है और हर बंदा अपने ऑर्डर में सही है. तो तुम्हें किसी के ऑर्डर को कॉपी या पेस्ट करने की जरूरत किसी भी एंगल से नहीं है. एवरी ऑर्डर इज करेक्ट. सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, मैं तुम्हें एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे देता हूं कि यार किस गाइडलाइन को वी गाइस कैन फॉलो, जिसमें थिंकिंग हेड मेरी ऑन हो जाती है. ठीक है, चलिए. सो द ऑर्डर दैट आई वुड प्रेस्क्राइब इफ आई वर टू जस्ट, कि मैं अपने भाई को या बहन को बताता तो वो क्या ऑर्डर होता जो मैंने भी फॉलो करा. देखो, मेरा मानना यह है केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है या जो बहुत स्कोरिंग होता है. ठीक है, चाहे आपका कैसा भी प्रिपेयर्ड हो, कम भी प्रिपेयर्ड होगा तो आप कम टाइम में उसमें हमेशा ज्यादा नंबर बना के निकल सकते हो. दैट इज माय थिंकिंग हैट. जब भी मैं उसको यहां लिख रहा हूं, ये मेरी सबसे बड़ी थिंकिंग हैट है. ठीक है, केमिस्ट्री में आप 20 मिनट के अंदर पेपर 20 या 25 या 30 मिनट जिसको जितना लगता है उसमें आप नंबर बना के निकल सकते हो. मेरी हमेशा से पेपर को फोड़ने की स्ट्रैटेजी क्या रही है, जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में सीखी, 11th 12th में जब मैं पेपर देता था तो मैं भी रैंडमनेस, और यार देखो इस समय टेंस माहौल है, टेंशन में है सब लोग, आई एग्री, बट थिंकिंग हैट, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मैंने ड्रॉप ईयर में खुद सीखा एज कंपेयर टू व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग इन क्लास 12th के एग्जाम में. चलो यहां नहीं, एक फ्रेश शीट पे लेते हैं. तो मेरा मानना यह है जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री इज लाइक ट्रम्प कार्ड, राइट? ठीक है, और यू कैन से योर डार्क हॉर्स और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. ये केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेक और ब्रेक कर सकता है. क्यों स्टार्ट करना चाहिए? मेरा अटेम्प्ट होता है, सबसे पहला अटेम्प्ट हमेशा केमिस्ट्री पे होता है. क्यों? बिकॉज इन फ्लैट 25 मिनट्स मेरे पास चांस होता है 60 to 90 marks बनाने का, 60 to 90 marks. और अगर मेरे ये 60 to 90 marks बन गए तो आप समझ रहे हो ना, मैं पेपर में कितना कॉन्फिडेंट बैठने वाला, आसपास देख के लोगों को हंस रहा हूं, अरे फोड़ दिया यार, पेपर फोड़ दिया, 90 नंबर आ गए, 60 नंबर बन गए केमिस्ट्री केमिस्ट्री में, वो भी 25 मिनट में. अभी तो मेरे पास 2.5 घंटा बचा हुआ, आई एम स्टिल लेफ्ट विद 2.5 hours, फोड़ के ही रहूंगा ना पेपर. तो पेपर में पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड आई बिलीव केमिस्ट्री अगर कम भी प्रिपेयर्ड होगा तो आपको पता है मुझे सिर्फ 25 मिनट ही देने हैं उसको, चाहे मुझे 50 नंबर बनाने, 40 नंबर बनाने, कितने भी नंबर बनाने, 60 मार्क्स बनाने हैं तो बन जाएंगे ना 25 पर. इन द फर्स्ट 25 मिनट्स इफ यू गाइस कैन कम अप एंड स्कोर 60 मार्क्स, इट्स अ ह्यूज मोटिवेशनल बूस्ट, बहुत बड़ा मोटिवेशनल बूस्ट होता है. सेकंड जो होता है, अब यहां पर पीएनसी लगती है, कि अगर पीएनसी की बात करें, चलो मैथ्स कर लें कि 3 डैशेज 3 2 1, तो देर आर सर टोटल 6 कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो बट अगर हम बात करें इंटरेस्टिंगली कि सर मैं फिक्स कर देता हूं केमिस्ट्री को फर्स्ट पे, सेकंड पे क्या दूं, तो यहां पर देखो सबका अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस है. मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि ये फॉलो करो, जो तुम्हारा सही चलता आ रहा है उसे ही करना है. बट मेरा यहां आना चाहिए, यू शुड पिक समथिंग विच इज बैड फॉर यू, बैड सब्जेक्ट. और बैड सब्जेक्ट रिलेटिव टर्म है, ठीक है, कोई यार दिल पे मत ले लेना इस बात को कि सर आपने तो बैड बैड कर दिया. बैड सब्जेक्ट का क्या मतलब है, मान लेता हूं मेरा प्रेफरेंस होता था केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बिकॉज मैथ्स वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आई लव्ड मैथ्स, राइट? तो मैं हमेशा बीच में बफर रखता था अपने लिए, ठीक है, कि यार जो फिजिक्स है वो मेरा थोड़ा सा कंपेरेटिवली वीक है, तो अगर मेरा सेकेंड सब्जेक्ट खराब भी होता है तो मुझे ना एक मोटिवेशनल एडवांटेज होता था कि यार मेरा जो बेस्ट सब्जेक्ट है वो अभी आना है. सो एक दिमाग में हमेशा
घंटी चलती थी, कोई नहीं फिजिक्स ही खराब हुआ है ना, फिजिक्स तो मैं मान के बैठा था मेरा अच्छा नहीं है, पर मेरा जो अभी मैथ्स है वो बचा हुआ है। तो इसीलिए ये एक मोटिवेशनल पॉजिटिव होता था मेरे लिए टू मेक श्योर कि जो मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है मैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट करूं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कई लोगों का हो सकता है फिजिक्स इज बेटर देन देयर मैथ्स, तो आप मैथ्स को बीच में डाल सकते हो। ठीक है, एंड अगेन आई एम सेइंग जरूरी नहीं है आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है, आप अपनी मर्जी से छह कॉम्बिनेशन बनेंगे, कुछ भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट यू गाइस हैव टू डू। सो बैड सब्जेक्ट का मैंने आपको सिर्फ लॉजिक दिया है कि मैं बैड सब्जेक्ट क्यों रखता था बीच में, क्योंकि वो मेरे को एक कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बरकरार रहता था दिमाग में कि मेरा जो थर्ड टॉपिक है विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन फिजिक्स और मैथ्स, आउट ऑफ फिजिक्स और मैथ्स, वो मैं हमेशा अपना थर्ड अटेम्प्ट बना के रखता था, जिससे मोटिवेशन एडवांटेज के लिए। ठीक है, और इसमें ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट के साथ साथ एक और प्रो टिप दे रहा हूं तुम लोगों को, या सब्जेक्ट स्विचिंग मत करना। जो हमने क्विजर की फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट में भी आपको एक पैरामीटर दिया ना सब्जेक्ट स्विचिंग, क्योंकि इसमें ना मैंने नोटिस करा बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं सब्जेक्ट स्विचिंग, तो प्लीज डू नॉट डू सब्जेक्ट स्विचिंग, इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। एक बार सब्जेक्ट पे बैठ गए तो 25 मिनट इसको देने, तो 25 मिनट देने, फिर जो मेरा मान लीजिए मैंने यहां पर बैड मैंने अपने आप का क्या रखा था फिजिक्स, तो मैं फिजिक्स को यार यहां पर दूंगा ही दूंगा 60 मिनट्स, मैं नहीं जाऊंगा आगे, पहले 60 मिनट्स यहां दूंगा करा है तो, और फिर जब मैथ्स अटेम्प्ट करूंगा तो मैथ्स को 65 मिनट्स दूंगा। ठीक है, मैंने यहां पर देखो ऑर्डर बता रहा हूं, मैंने 25 मिनट केमिस्ट्री को दिए थे, 65 मिनट्स यहां पर दिए, 60 मिनट्स यहां दिए, मेरा स्ट्रैटेजी होता था 30 मिनट्स बचा के रखना लास्ट में हमेशा। और ये 30 मिनट्स क्यों होते थे, इसमें भी मेरा क्या होता था मोटिवेशन एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता था। क्या मोटिवेशन एस्पेक्ट इन्वॉल्व है कि सर अगर मेरे पास 30 मिनट्स बचे हैं और मेरा पेपर अभी 2.5 आवर्स में, 2 आवर्स 30 मिनट्स हैव एक्सपायर्ड राइट, और अभी भी मेरा पेपर मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं हुआ है, तब भी मेरे पास एक मोटिवेशनल फैक्टर है, I still have got 10 minutes. All is well. All is well. तो हमें all is well वाला फंडा हमेशा दिमाग में लगाए रखना है। All is well के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। आपका दिमाग कब काम करता है अच्छा, जब आपको पता है कि आपके उसको बैक करने के लिए आपके पास पॉइंट्स हैं। तो मेरे पास हमेशा पेपर में अपने आप को बैक करने के लिए पॉइंट्स बनाना बहुत जरूरी है। सो इफ इट्स अ 3 आवर पेपर आई ट्राई टू माई डू माई फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर इन 2 आवर 30 मिनट्स, सो दैट 30 मिनट्स बचे हैं, ऑल इज वेल, देयर इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा। आप ऑर्डर अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो, बट मेरा एक जरूर बात मानना कि ये जो टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट फर्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्ट में यही टाइम लिमिट रखना, क्योंकि मैथ्स जनरली थोड़ा लेंदी ही आता है 65 मिनट्स। बट अब देखो इसमें प्रॉब्लम को इसको और रिजोल्व कर सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि इस बार तो यार सिर्फ 75 क्वेश्चन दिस टाइम राउंड, तो अब तो हमारे पास एम्पल टाइम है, एम्पल टाइम। और अब मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरा टारगेट 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है ही नहीं। अगर मैं अपना टारगेट निर्धारित करता हूं कि सर मुझे तो 150 to 180 मार्क्स बनाने हैं, तो 180 के लिए आप नोटिस करो आपको 60 ईच चाहिए, 60 ईच का मतलब क्या चाहिए, फिर से ब्रेक डाउन कर रहा हूं तुम्हारे लिए, 15 क्वेश्चन ईच का मतलब हुआ आपको यार 45 क्वेश्चंस के लिए 3 घंटे मिल रहे हैं यार, मतलब इट्स मोर देन एनफ दैट यू गाइस कैन आस्क। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, बट अगेन एज आई से यूजुअली इट इज सिंपल, इट लुक्स लाइक इट विल नॉट, इट इज वेरी वेरी सिंपल, आई कैन डू इट। 99.99% पीपल आर नॉट एबल टू अप्लाई इट, एंड दैट्स व्हाई यू डू नॉट गेट इनटू दैट 99.9% क्लब। ऑलराइट गाइस, सो स्टार्ट अप्लाइंग दिस फंडामेंटल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट योर थॉट्स आर, व्हाट यू वांट टू नो, व्हाट is the confusion that is going in your mind at this point in time, so that I can come up with the next big pro tip and I can cover that in the live session. Or ek cheez jo hamesha yaad rakhni hai math on go ke sath, you guys are emojians, what you guys have to remember, paper phodna hai whatever may come. God bless, keep working hard, I'll see you tomorrow in a live session.